नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर चन्नी सरकार की अपील पर चुनाव आयोग की बैठक आज। रविदास जयंती के चलते टाली जा सकती है चुनावी तारीख। इंटरनेशनल भिखारी है इमरान खान, देश की बदहाली को लेकर पीएम पर भड़का विपक्ष। भाजपा ने मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए किया बाहर, उत्तराखंड मंत्रिमंडल से भी हुए बर्खास्त। सिद्धू ने हाईकमान को भ्रमित किया, टिकट कटने पर चन्नी के भाई ने खूब सुनाया। कथक डांस के सम्राट और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। गोवा चुनाव 2022 को लेकर ट्विटर पर भिड़े अरविंद केजरीवाल और पी चिदंबरम। देश में कोरोना मामलों में आई कमी, पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 2,58,000 नए केस, जबकि ओमिक्रॉन के मामले 8,000 के पार। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कोरोना वैक्सीन अनिवार्य नहीं, ना किसी पर लगवाने का दबाव। पीएम मोदी के सुरक्षा चूक मामले में जांच कर रही पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस ने धमकाया, कहा नहीं करने देंगे जांच। मुजफ्फरनगर में आचार संहिता का उल्लंघन, बीजेपी उम्मीदवार उमेश मलिक पर हुआ मुकदमा दर्ज। यूपी चुनाव में सपा RLD गठबंधन को खुला समर्थन देने के 24 घंटे के भीतर ही भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने अपने बयान से लिया यूटर्न, कहा हम चुनाव में किसी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। सांसद अफजल अंसारी की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में हुए भर्ती। चीन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब, बॉर्डर पर S-400 तैनात करने की तैयारी में जुटा भारत, अप्रैल में चालू होगी पहली यूनिट। दिल्ली में कोहरे की वजह से 7 ट्रेन हुई लेट, वहीं 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेन कैंसिल। लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई हुए कांग्रेस में शामिल, लड़ सकते हैं कांग्रेस से चुनाव। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे की अग्रिम जमानत की अर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट ने की खारिज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। नमस्कार, मैं मनोज तिवारी, एक्सपोज इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। एक्सपोज इंडिया भ्रष्ट लोगों को एक्सपोज करती रही, मेरी शुभकामनाएं।